Hey guys, welcome to my channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने अंडर आई डार्क सर्कल को कैसे छुपा सकते हो यूजिंग दिस वन लिपस्टिक. ये LA टीम का है जो 100 रुपीज में आपको आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन, तो बाहर भी मिल जाएगा, अवेलेबल रहता है. एंड मैं पाउडर, लूज पाउडर में ये बेबी पाउडर यूज़ करने वाली हूँ. तो देखते हैं कि हम मैं कैसे कर सकती हूँ. मैं सिर्फ इस पार्ट का करूँगी, इस पार्ट का मैं छोड़ दूँगी, सो दैट यू कैन मेक आउट द डिफरेंस कि कैसे यू नो डिफरेंट लगेगा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट. ये मैं नहीं कंसील करूँगी, ये मैं कंसील करूँगी, तो यू कैन मेक आउट. ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आई हैव वेरी बैड डार्क सर्कल्स, तो मेरा फेस बेस्ट रहेगा इन दोनों के डिफरेंस को दिखाने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक बटन दबाना मत भूलिए, तो आगे के जो भी मैं अपलोड्स करूँगी वीडियोस वो आपको अपने नोटिफिकेशन में मिलते जाएंगे. तो पहले मैं लेने वाली हूँ LA Teen का कलर डोज का लिपस्टिक जो आपको आराम से 100 रुपीज़ में मिल जाएगा. थोड़ा सा मैं हाथ में लूँगी. मैं सिर्फ इस पार्ट का करेक्ट कर रही हूँ, इस पार्ट का मैं ऐसे ही छोड़ूंगी सो दैट आपको डिफरेंस नजर आएगा. ऐसा डैबिंग मोशन में जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि करेक्ट करना चाहिए वहाँ आपको ऐसा डैबिंग मोशन में आप कीजिए. मेक श्योर कि वो बाहर ना जाए, अदरवाइज ऑरेंज ही लुक देगा आपको. तो आप देख सकते हो, तो मैंने ये कर दिया है. करने के बाद जो भी एक्सेसिव है मैं इस टिश्यू पेपर से निकाल दूंगी. जस्ट यूज इट. ऑरेंज कलर करेक्टर एक्चुअली ये ब्लैक जो अपने ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लैक कलरेशन जो अपने फेस पे रहता है वो इवन आउट करने के लिए रहता है. That is used basically for that. तो ये मैंने कर दिया है. इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा फाउंडेशन. मैंने मैस टेक और किए का फाउंडेशन लगा रही हूँ. I'll just take a little bit on my hand. इतना सा ले रही हूँ मैं, इतना सा लेके टैपिंग मोशन में लगाऊंगी. तो आपको उस एरिया में घिसना नहीं है, अगर घिसोगे तो यू विल एंड अप ये सारा कुछ जो जो आपने लगाया है कलर करेक्टर वगैरह वो सारा कुछ निकल के बाहर आ जाएगा एंड जो भी लगाया वो यूज नहीं हो पाएगा. तो आप ऐसे लगा सकते हो से डार्किंग मोशन में, अदरवाइज यू कैन यूज द ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर से आप अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए. तो मैं अब यूज करूंगी अपना कंसीलर. एक्चुअली विदाउट कलर करेक्टर आप अगर कंसीलर यूज करोगे तो उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पता चलेगा, तो पहले फ्लॉलेस मिल देगा आपको. इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ मैं ये. I'll just apply like this. Same beauty blender से I'll blend it well. धीरे से blend करना है, धीरे से हल्के से blend करना है. You can use your finger, ring finger use करते हो क्योंकि उसमें pressure बहुत कम पड़ता है. अगर आप जोर से ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करोगे तो सारा कुछ निकल जाएगा. हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कीजिए. आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. करूंगी थोड़ा और
कंसीलर बिकॉज इस एरिया को मुझे कवर करना है. तो बेस्ड ऑन आपके जितने डार्क सर्कल्स हैं, जितने यू नो आपको छुपाने हैं, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि देयर इज़ अ पिट हियर. तो मैं यहाँ थोड़ा सा यूज़ करूँगी. यूज़ करके जस्ट डैब इट लाइक दिस. तो इसे सेट करने के लिए यू आर नॉट सपोज टू यूज कॉम्पैक्ट पाउडर, यू शुड यूज ट्रांसलूसेंट पाउडर. तो ट्रांसलूसेंट पाउडर तो मेरे पास है नहीं, तो आई एम यूजिंग दिस बेबी पाउडर. तो बेबी पाउडर मैं लेती हूँ थोड़ा सा अपने हाथ में. मैंने इतू सा बेबी पाउडर लिया है, लेके दूसरा बेबी पाउडर लिया है लेके अपने हाथों से थोड़ा सा लगाऊंगी यहाँ. सो दैट वहां का स्किन इवन आउट हो जाए. आपको इसे थोड़ा सेट होने तक छोड़ना है लाइक 2 to 3 minutes सो दैट पूरा जो भी हमने पाउडर लगाया है वो सेट हो जाए. अगर आप इमीडिएटली इसे वाइप आउट कर दोगे तो जो भी लगाया वो वेस्ट हो जाएगा, वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा. आप जो भी फेस पे लगाते हो या मॉइस्चराइजर हो या टोनर हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा सेट होने के लिए आपको छोड़ना पड़ता है एक प्रोडक्ट लगा के. मेरा पाउडर ऑलमोस्ट सेट हो गया है, तो एक्सेसिव पाउडर मैं अभी निकालने वाली हूँ यूजिंग दिस ब्रश. यू कैन सी द डिफरेंस. तो आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ का और यहाँ का. यहाँ का आई कुड यू नो तो जो भी डार्क सर्कल्स है मेरे बहुत हद तक मैंने कवर कर लिया है. तो यहाँ का मेरा जो ओरिजिनल मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, यहाँ का और यहाँ का आप देख सकते हो. यू कैन सी दिस. यहाँ का पूरा टोन इवन टोन दिखाई दे रहा है और यहाँ का देखें यहाँ पूरा डार्क है यहाँ और यहाँ लाइट कलर है. तो मैं आपको बताना चाहती थी कि यू नो लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो आप एज अ कलर करेक्टर. आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, आराम से बेबी पाउडर मिल जाएगा आपको घर में जो बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए. एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर आप बाहर से मंगाओगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा. एंड 100 rupees का ये एलेटीन का मिलता है, आराम से मिल जाएगा. अगर आप लिपस्टिक खरीद रहे हो तो ऑरेंज शेड में ही खरीदिए क्योंकि ऑरेंज शेड ही इस एरिया को कवर अप करने के लिए यूज़ करता है, कोई और शेड यूज़ नहीं होता है. तो वो वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा. That's it guys, that's it for the in this today's video. Thank you, thanks a lot for watching my video and aise hi mujhe support karte rahiye. I have completed 250 subscribers today. I'm very 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 happy. Thank you, thanks a lot. Aise hi aap mere videos ko dekhte rahiye, like kijiye aise hi.